सो गाइस जब हम 8 से 9th में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो हमें पता नहीं चलता, और बहुत बार पता लगते लगते बहुत सारी देरी हो जाती है। और गाइस बहुत सारी चीजें बिल्कुल बदल चुकी है, बहुत सारे ग्रामर्स के पैटर्न चेंज हो चुके हैं, बट आप वही पुरानी चीजें अभी भी फॉलो कर रहे हो, तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके सर आपके साथ है ना। जिस तरह आप देख ही रहोगे कि 10th के बच्चे बहुत लैंग्वेजेस का टेंशन ले रहे थे, उनके लैंग्वेजेस का हमने टेंशन एकदम छूम अंतर कर दिया। 12th के बच्चे लैंग्वेजेस का टेंशन ले रहे थे, उनका छूम अंतर कर दिया। अब बस बचे हो आप, अरे भाई अगले साल 10th में आ रहे हो तो आपको टेंशन रहेगा नहीं, बट अभी जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम में न्यू पैटर्न के हिसाब से अपनी चीजों को कैसे कवर करें, क्योंकि देखो अगले साल वही चीज आपको कवर करनी है। क्योंकि 9th और 10th में ग्रामर सभी कुछ सेम ही है, लगभग मतलब सब कुछ सेम ही है भाई। डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जाके उनको जो जो आपका टॉपिक है सभी टॉपिक को कवर कर लो और अपने एग्जाम में बल्ले बल्ले मचा दो। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीजें चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट करो कि सर हमें यह चाहिए, फटाफट फटाफट इससे रिलेटेड वीडियो बना दो। और एक चीज और बोलूंगा, यही सेम वीडियो सेम ग्रामर सब ये सब चीज ए स्टैंडर्ड के बच्चों को भेज दोगे तो वो अपना वेकेशन ये चीजें कवर कर लेंगे और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।